गुड मॉर्निंग बच्चों, एल्डिहाइड्रेट कीटोन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसके अंतर्गत हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में बात करी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के बारे में हमने बात करी थी, हमने एल्डिहाइड्रेट कीटोनों का ऑक्सीकरण भी देखा था और हमने अपचेन के बारे में भी कम्प्लीट बात कर ली थी। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे कि एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसकी एसिडिक नेचर होती है और इसी एसिडिक नेचर के कारण कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती है, उन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन of एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ध्यान दें, हमने यहाँ पे एक एल्डिहाइड शो कर दिया, ये वाला, ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप अपने को डिस्कस करना है। इस कार्बोनिल ग्रुप की नेचर को अपन पहले समझ लेते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस युग्म को ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच रखा है। रिजल्टिव इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, इसलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑक्सीजन ने इस युग्म को खींचा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, ये कार्बोनिल समूह क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसलिए यह किस प्रकार का समूह है? माइनस आई प्रभाव दिखाने वाला समूह है। कार्बोनिल समूह की नेचर को हम क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला समूह है। कहां से आया माइनस आई? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म को खींच के ले गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो अब कार्बन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे और रिजल्टिव इस ग्रुप की नेचर कैसी है? माइनस आई प्रभाव, यानी कार्बोनिल समूह का माइनस आई प्रभाव होता है, ठीक है, ओके। अब देखो, इस माइनस आई प्रभाव के कारण अब इस कार्बोनिल से यहां पे एक कार्बन जुड़ा हुआ, मान लीजिए यह फंक्शनल ग्रुप का कार्बोनिल समूह है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप की नेचर कैसी है? माइनस आई प्रभाव। इस माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाली नेचर के चलते इस पूरे के पूरे युग्म को कौन खींच लेगा अपनी तरफ? यह कार्बोनिल समूह है। इस कार्बन और इस कार्बोनिल समूह के कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इस घनत्व को अपनी ओर कौन खींच लेगा? यह कार्बोनिल समूह खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण यह माइनस आई प्रभाव दिखाएगा। अब इस युग्म को अपनी ओर खींच लेने के कारण इस कार्बन पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में आई कमी को पूरा करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को पूरा करने के लिए यह कार्बन क्या करेगा? यह कार्बन इस वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो कार्बन इस अल्फा कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, उसको अपनी ओर खींच लेगा, उसको अपनी ओर खींच लेगा। देखो, ध्यान दो, यह हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है? कार्बन से। कौन से कार्बन से? अल्फा कार्बन से। इसलिए इस हाइड्रोजन को भी क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को भी क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब क्योंकि ये युग्म कार्बन की ओर चला गया, तो मुझे आप बताइए कि क्या यहां से H+ का निकलना संभव है? बिल्कुल संभव है। जब आप एक प्रबल क्षार लेंगे, प्रबल क्षार क्या देगा? OH-।
प्रबल क्षार क्या देगा, OH माइनस देगा, और इस OH माइनस की प्रेजेंट में यह अल्फा हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल जाएगा। किसके रूप में निकल रहा है? H प्लस के रूप में निकल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, इन एल्डिहाइड एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर को डिस्कस कर रहे हैं, या अपन डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे जो नेचर देखने को मिली, हम क्या कह रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का कैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है हमें, एसिडिक बिहेवियर देखने को मिल रहा है, क्योंकि H प्लस निकल रहा है कहां से, अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ इस हाइड्रोजन कौन सा है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों निकल रहा है ये मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा युग्म अपनी और कार्बन खींच के ले गया, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ, कार्बन ने बदला किससे निकाला, इस हाइड्रोजन के साथ में, पूरा अपनी ओर खींच लिया। प्रबल क्षार आया, प्रबल क्षार ने कहा चल एच प्लस तू मेरे साथ चल, एच प्लस, एच ने कहा ठीक है मैं एच प्लस के रूप में निकल जाता हूं, क्योंकि ये वैसे भी यहां पे मेरे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए यहां से एच प्लस बाहर निकल जाता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट हमें रीजन मिल गया है एसिडिक बिहेवियर का। पहला रीजन क्या है, माइनस कार्बोनिल समूह का कार्बोनिल समूह का माइनस आई प्रभाव, कार्बोनिल समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण यहां पे अल्फा हाइड्रोजन ने एसिडिक नेचर शो करी है, फर्स्ट रीजन। सेकंड देखना, जैसे ही एच प्लस त्याग देगा क्या बनेगा भाई, यहां पे सी माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, देखो चार्ज सिंगल डबल, अनुनाद क्या आ जाएगा, अनुनाद आ जाएगा, माइनस बॉन्ड बनाएगा ये ओ पे चला जाएगा, और इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ। ये देखो ये यहां पे स्ट्रक्चर बनेगी, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, सेकंड रीजन क्या दे सकते हैं, एच प्लस त्याग के पश्चात बने कार्ब ऋणायन में अनुनाद, कार्ब ऋणायन, कार्ब एनायन बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है H प्लस के पश्चात, कार्ब ऋणायन में अनुनाद। तो ये वो दो कारण हैं जिनके कारण अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक बिहेवियर शो करता है, एक तो कार्बोनिल समूह का माइनस आई प्रभाव, और एक H प्लस त्याग के पश्चात जो यहां पे रेजोनेंस अपने को देखने को मिला है, इन दो के चलते यहां पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वह एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी का कारण क्या है, तो कारण आप बताएंगे, एक तो कार्बोनिल समूह का माइनस आई इफेक्ट हो जाता है, और दूसरा जो कार्ब ऋणायन बनता है एच प्लस के त्याग के पश्चात उसमें रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, यहां तक की बात में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपके साथ में नहीं रहा होगा। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, एक चीज और सुन लीजिए, जो अल्फा हाइड्रोजन है वही एसिडिटी शो करेगा, बीटा गामा डेल तक जैसे जैसे जाएंगे तो कार्बोनिल समूह का माइनस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, मीन्स एच प्लस का निष्कासन पॉसिबल नहीं होगा। यह प्रभाव केवल कहां देखने को मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन पर ही देखने को मिलेगा, और इसी अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, नाम है एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन की, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक,
अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, यानी कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक प्रेजेंट होना चाहिए। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है? डाइल्यूट बेस तनुक्षार, तनुक्षार की प्रेजेंट में कराई जाती है। और तनुक्षार की हम यहां पे बात करें तो आप ध्यान रख लेना क्या क्या काम में ले सकते हैं। NaOH काम में ले सकते हैं, Na2CO3 काम में ले सकते हैं, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड काम में ले सकते हैं। ये दो चीज रिक्वायर्ड है। अगर ये दोनों अवेलेबल है तो एल्डोल संघनन हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और डाइल्यूट बेस प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ किस प्रकार से। यहाँ पे अपन एग्जांपल ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड देखिए, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे मैं OH यूं शो कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा अणु, यहां पे दो अणु यूज होंगे भाई। सेकंड अणु HCH2CHO। देखिएगा इस वाले कार्बन, ये वाला क्रियात्मक समूह है तो इस कार्बन को आप क्या कहोगे? अल्फा कार्बन। ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होगा देखिएगा, यहां पे ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ले रहा है, O पे माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा। O पे माइनस, C पे प्लस। यहां से H प्लस निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है? H प्लस निकल रहा है। तो H प्लस निकल रहा है तो इस C पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अब देखिए ये H प्लस निकल के जाके कहां पे जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे। CH प्लस CH2 माइनस से जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा देखिएगा। दैट इज द टाइप फॉर लर्निंग मैकेनिज्म क्या होती है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म की भी बात करेंगे हम। डाइल्यूट NaOH आपने काम में ले रखा है, देखिए CH3 है वैसे का वैसे, CH O पे क्या आया? माइनस। CH पे प्लस, इधर H प्लस निकला, बाहर क्या निकला? H प्लस। H प्लस किसके पास जाएगा? O के पास। बचा क्या? CH2 माइनस CHO। ये माइनस ये प्लस के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। दिस इज आर प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, यानी एल्डोल कंडेंसेशन में ध्यान देना, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा पे कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी, यानी यहां पे हमें बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट हमें यहां पे प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो कार्बोनिल यौगिक यहां पे रिएक्शन करते हैं और इसके फलस्वरूप ये रिएक्शन तनुक्षार की उपस्थिति में होती है और बीटा हाइड्रोक्सी उत्पाद का निर्माण होता है। दो कार्बोनिल यौगिक तनुक्षार की उपस्थिति में क्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसे एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। नाम इसका IUPAC नाम देखना चाहे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 क्या लिख देंगे? 3-hydroxybutanol, ब्यूटेनेल नाम हो गया 3-hydroxybutanol। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ वी आर डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, हालांकि अणु दो लिए हैं पर अल्फा हाइड्रोजन एक ही अणु का यहाँ पर प्रयोग में आएगा। जो एल्डोल कंडेंसेशन आप करवा रहे हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक ही अणु का यूज होगा, दूसरे का यूज नहीं होगा, ठीक है। एक का कार्बोनिल यूज होगा और एक का अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा। इसके मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि किस प्रकार से रिएक्शन होती है, ध्यान दें। मैकेनिज्म क्षार लिया है आपने, क्षार जैसे NaOH लिया है तो NaOH से क्या प्राप्त होगा?
Na प्लस OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आपने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड लिया आपने। देखिए एसिटाल्डिहाइड को मैं यूं लिख दूं, कोई आपत्ति तो नहीं है। क्षार से क्या प्राप्त हुआ है, OH माइनस। OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा, H2। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस CH2CHO+H2। कार्ब ऋणायन का निर्माण हुआ है, किसका निर्माण हुआ है, कार्ब ऋणायन का निर्माण हुआ है। इनोलेट आयन बोलते हैं, इसमें अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद से ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में OH माइनस ने H प्लस से क्रिया करके H2O फॉर्म करा है। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इनोलेट आयन बना है, इसमें रेजोनेंस होता है जिससे ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। सेकेंड स्टेप देखिएगा, सेकेंड स्टेप में हमारा दूसरा जो एसिटाल्डिहाइड का अणु है उसको अपन देखते हैं। देखना CH3C OCHO, ये वाला अणु है। इस कार्बोनिल के बारे में आपका क्या विचार है, कार्बोनिल में ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच रहा है। रिजल्टिव, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। ये रिएक्शन बुक में मेंशन है, 12th की बुक में, और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना एल्डोल कंडेंसेशन को। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन को देखो, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये कंडीशन है ना। अगर इस CH इस अपने ऋणायन को कहा जाए अटैक करना है तो यह अटैक कहां करेगा, देखो माइनस CH2CHO, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक कहां करेगा, कार्बन पर। और जब कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन का यह बॉन्ड कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पर। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो प्रोडक्ट क्या बनाए हम, CH3CO- ये एच ही है भाई, यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे CHO लिख दिया था, एच ही है क्योंकि CHO ग्रुप तो ये हो गया ना पूरा, बाई मिस्टेक लिख दिया था मैंने, एसिटाल्डिहाइड का ये वाला अणु है। ठीक है, ओके, O- CH। हाँ जी, इस सी पे अटैक किसने करा, CH2CHO। दिस इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे कार्बोनिल जो अपना यहाँ पे इनोलेट ऋणायन बना था उसने दूसरे एसिटाल्डिहाइड के अणु पे अटैक करा है, और यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज्ड, और यहाँ पे अपने को जो मिड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। यहाँ पे फिर से क्या बना है, ऋणायन का ही निर्माण हुआ है। अब देखिए थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान दें, क्या यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ है, हुआ है, तो क्या होगा, देखिए CH3CHO- CH2CHO। वाटर में से क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस, यहां से इसको किसकी नीड है, H प्लस की, HOH लिख दूं इसको मैं, HOH, तो यहां से H प्लस निकल के किसके पास जाएगा, H प्लस OH माइनस इस O माइनस के पास में, और क्या प्रोडक्ट देगा हमें, CH3CHOH CH2CHO, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है, वही बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, साथ में OH माइनस, देखिए OH माइनस वापस मिल गया हमें, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट आपको मिल चुका है यहाँ पे, और जब आप इस बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट को तनु अम्लों के साथ गर्म करेंगे CH2CHO, तब देखिए क्या होगा, आप इसको गर्म करेंगे तो ये आपका अल्फा, ये बीटा, बीटा का OH और अल्फा का H आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O, बीटा का अल्फा
सॉरी बीटा का OH और अल्फा का H क्रिया करके क्या बना लेंगे H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट तो बन चुका था, इसको अपन हीट दे रहे हैं तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। कैसे निकला? बीटा से OH, अल्फा से H, H2O, C और C ने दोनों ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को क्या कहें? डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एल। तो प्रोडक्ट बना है इनेल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बना है? इनेल। नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ब्यूट 2 इनेल। ब्यूट 2 इनेल का यहां पे निर्माण होगा। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, डाइल्यूट क्षार की प्रेजेंट में दो अणु संघनित होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। मैकेनिज्म में क्या हुआ था? H प्लस रिलीज करा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ने दूसरा जो अपना अणु है उस पर अटैक करा। कहाँ अटैक करा? कार्बन लिखे कार्बन पे। क्यों करा? ऑक्सीजन खींच के ले गया था युग्म, इस पर पार्शियल पॉजिटिव था, अटैक करा, फिर से ऋणायन बन गया। अब ये ऋणायन वाटर से H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करता है और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है। ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन और उसकी मैकेनिज्म। जो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना है इसको आप जो आपके डाइल्यूट एसिड्स है उनके साथ गर्म करिए। गर्म करेंगे तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH का निष्कासन होगा और आपको इनेल प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये तो था अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन। इसी के अहेड अगर हम ये दोनों जो दो अपन ने यहाँ पे अणु लिए हैं एसीटैल्डिहाइड के, अगर एसीटैल्डिहाइड के न लेकर डिफरेंट अगर ले ले तो उस स्थिति में हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड अगर सेम लिया है तो एल्डोल है और अगर डिफरेंट डिफरेंट आपने अणु लिए हैं तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉस एल्डोल। ध्यान दीजिएगा, यदि इस रिएक्शन में दो भिन्न भिन्न कार्बोनिल अणु पार्टिसिपेट करे तो उसे क्रॉस एल्डोल कहेंगे, सेम अणु पार्टिसिपेट करे तो उसे एल्डोल कहेंगे। अब आप कहेंगे सर एल्डोल क्या होता है? देखो एल्डोल भी मैं आपको बता देता हूँ, एल्डोल नाम कहाँ से आए? इस सी एच ओ को आप क्या कहोगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पहला वर्ड क्या है? एल्ड। OH को क्या बोलते हो? ओल। एल्डोल क्या प्रोडक्ट है? एल्डोल। समझ में आ रही है? ये एल्ड, ये ओल, एल्डोल प्रोडक्ट यहाँ पे बना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? थीम मैंने आपको बता दी है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जब आप अणु यूज करेंगे तो क्रॉस एल्डोल कहलाएगा, समान करेंगे तो एल्डोल कहलाएगा। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट है हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखिएगा, एक तो मैं आपको बार बार बोल के कह रहा हूं जहां पे भी क्रॉस आ जाए तो समझ जाना दो भिन्न अणु डिफरेंट अणु यहाँ पे रिएक्शन करने वाले हैं। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेंगे दो भिन्न अणुओं का। फर्स्ट अणु लेंगे हम, फर्स्ट ले लेते हैं एथेनेल एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड बोल दें, IUPAC कहेंगे तो क्या? एथेनेल। दूसरा अणु हम ले लेते हैं प्रोपेनेल। क्योंकि हम एल्डोल पढ़ रहे हैं इसलिए हमारी बाध्यता है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब ही यह रिएक्शन होगी और अदरवाइज नहीं होगी। अब देखिए हम रिएक्शन करवा रहे हैं एथेनेल और प्रोपेनेल के बीच में डाइल्यूट बेस की प्रेजेंट में। क्षार क्या क्या हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इनकी प्रेजेंस में करा रहे हैं। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ये दोनों अणु आपस में क्रिया करें। हो सकता है एथेनेल एथेनेल के अणु आपस में क्रिया कर ले, प्रोपेनेल प्रोपेनेल के अणु क्रिया कर ले। तो अपने को यहां पे सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट जब एथेनेल के दो अणु क्रिया करते हैं या संघनित होते हैं,
या संघनित होते हैं। एथेनॉल, देखो एथेनॉल मीन्स ये CH3 C double bond O H, ठीक है, एक एथेनॉल का अणु, दूसरे एथेनॉल का अणु का अपन क्या ले रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं। क्या होगा, ये H चला जाएगा यहां पे O के पास में और CH2 इसके साथ में जुड़ जाएगा तनु क्षार की प्रेजेंट में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंट में। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CH3COH H CH2CHO। यानी जब आप यह रिएक्शन एथेनॉल एथेनॉल के बीच में होगी, यानी आपने तो दोनों के बीच में कराई है, पर जरूरी थोड़ी है हमेशा एथेनॉल और प्रोपेनॉल करे, एथेनॉल और प्रोपेनॉल ही क्रिया करे ये आवश्यक थोड़ी है, एथेनॉल एथेनॉल भी आपस में क्रिया कर सकते हैं। तो जब एथेनॉल एथेनॉल आपस में क्रिया करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको 3-hydroxybutanol, प्रोडक्ट क्या होगा 3-hydroxybutanol, ठीक बात है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड, जब प्रोपेनॉल के दो अणु संघनित होते हैं, जब प्रोपेनॉल के दो अणु संघनित होते हैं, अब देखिए पहले अपन ने किसके अणु करवाए एथेनॉल के, नेक्स्ट टाइम हम क्या ले लें प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल क्या होगा CH3 CH2 C double bond O H, दिस इज प्रोपेनॉल। नेक्स्ट दूसरा अणु प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल का क्या काम में आएगा, अल्फा हाइड्रोजन, एक बात का ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा, तो अल्फा ये वाला क्रियात्मक समूह है, तो ये कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन, तो प्रोपेनॉल दूसरा अणु का अपन जो है, मैं अणु आपके सामने पहले लिख देता हूं फिर दोबारा रीराइट कर दूंगा इसको CH2CHO। भैया इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन है ये, तो ये हाइड्रोजन यहां पे यूज होंगे, तो मैं इसको रीराइट कर दे रहा हूं, देखिएगा HCH CH3CHO, ये हाइड्रोजन कहां जाएगा ऑक्सीजन के पास में, और प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा डाइल्यूट NaOH, क्या लिखें प्रोडक्ट CH3 CH2 COH H CH CH3 CHO, यानी प्रोडक्ट क्या बना हमारा 1 2 3 4 5, 2-methyl 3-hydroxy 2-methyl pentanol, 3-hydroxy 2-methyl pentanol का निर्माण होगा, कब, जब दो प्रोपेनॉल के अणु संघनित होते हैं, कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन, इसको मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि भाग कौन लेगा अल्फा हाइड्रोजन कहां चला गया ऑक्सीजन के पास में, CH इसके साथ में जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट बना। अब देखिए क्या ये दोनों अणु सेम है, बिल्कुल सेम है, एथेनॉल है, क्या ये दोनों अणु सेम है, ये भी सेम है, तो यहां पे जो संघनन हुआ है अभी तक, इसको अपन एल्डोल क्रॉस एल्डोल नहीं कहेंगे, कौन सा हुआ है एल्डोल, कौन सा कंडेंसेशन हुआ है, ये एल्डोल संघनन हुआ है, यहाँ पे कौन सा संघनन हुआ है एल्डोल संघनन हुआ है। अब ये शो करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों डिफरेंट ही आपस में भिड़े, दो सेम भी भिड़ सकते हैं, तो ये दो पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है दैट इज एल्डोल प्रोडक्ट। अब देखिए थर्ड पॉसिबिलिटी, जब एथेनॉल तथा प्रोपेनॉल के अणु संघनित होते हैं तथा एथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, अब यहां पे भी पॉसिबिलिटी है, दो डिफरेंट तो मिल रहे हैं, पर जरूरी थोड़ी है हमेशा एथेनॉल का ही मिले या प्रोपेनॉल का ही मिले, दोनों मिल सकते हैं, तो अपन पहले एक बार एथेनॉल का ले लेते हैं, दूसरी बार अपन प्रोपेनॉल का ले लेंगे, तो यहां पे किसका अल्फा हाइड्रोजन यूज हो रहा है एथेनॉल का, तो पहला अणु क्या लिखे हम प्रोपेनॉल, ये हमारा क्या है प्रोपेनॉल, इसकी क्रिया किससे एथेनॉल से CH2CHO, ठीक है, यहां पर यह क्या था एथेनॉल, ये भी क्या था एथेनॉल, ये क्या था प्रोपेनॉल, सेम है इसलिए क्या बोल रहे हैं एल्डोल,
तो ये भी क्या है, प्रोपेनिल। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2COH, ये चला जाएगा ओके पास में, CH CH2 CHO, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना है, 3-hydroxypentanol, किसका निर्माण हुआ है, 3-hydroxypentanol का यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फोर्थ की बात हम कर ले, जब प्रोपेनेल तथा एथेनेल के अणु संघनित होते हैं तथा प्रोपेनेल का अल्फा हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, ये क्या है, प्रोपेनेल, ये क्या है, एथेनेल, दोनों डिफरेंट है, मींस क्या है, क्रॉस वेल्डोन। ठीक है, इसमें अपने अल्फा हाइड्रोजन किसका काम में लिया है, ये अल्फा एथेनेल का, अभी अपन प्रोपेनेल का काम में लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और प्रोपेनोल का कौन सा काम में लेना, अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूं, CHO, ये कौन है, एथेनेल, ये कौन है, प्रोपेनेल, H कहाँ जाएगा, O के पास में, डाइल्यूट NaOH, क्या लिख देंगे, CH3COH, H जैसा दिख रहा है वैसे लिख रहे हैं, देखो CH3COH, ऊपर चला गया ना H, अब आगे क्या लिख दूंगा, CH3CHO, क्या प्रोडक्ट बना इस बार, 3-hydroxy-2-methyl-butanol। देखिए यहाँ पे दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड यूज हुए हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल। ध्यान दें मेरी बात की तरफ, अगर हमें कहा जाए कि एथेनेल और प्रोपेनेल की अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में करवाई जा रही है तो उत्पाद बनेगा, ये चारों उत्पाद बनेंगे, अगर एथेनेल और प्रोपेनेल क्रिया कर रहे हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में तो ये चारों प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होंगे। इसका IUPAC नाम देख लीजिए, थीम सेम रही है, देखो एक का अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, ओ पे, और CH के साथ में आगे जो ग्रुप बचा है उसे जोड़ दिया डायरेक्ट करने के लिए, और मैंने इसकी आपको मैकेनिज्म भी बता दी है किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना इसका IUPAC नाम देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, नाम क्या हो जाएगा, 3-hydroxybutanol, इसका क्या नाम हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, देखो ABCD आती है, ABCD में H पहले आता है, M बाद में आता है, तो नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम 3-hydroxy-2-methyl-pentanol, क्या नाम हो गया, पेंटेनेल। इसी प्रकार से इसका नाम देखिए, ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, नाम क्या हो जाएगा, 3-hydroxypentanol, नाम क्या हो जाएगा, 3-hydroxypentanol। इसी प्रकार से इसका नाम देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, क्या लिख देंगे नाम, 3-hydroxy-2-methyl-butanol। ठीक है, तो ये चार प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, जिनमें दो एल्डोल होंगे और दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक बात है, तो डियर स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में अपन महत्वपूर्ण रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक इम्पोर्टेंट काम पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।